भारद्वाज मदद गुरु संस्था का संस्थापक, कोरोना काल में दिव्यांगत हुए सभी लोग जिनकी मदद गुरु द्वारा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से अंत्येष्टि कराई गई, उन सभी लोगों की शांति के लिए और उन सभी लोगों को तर्पण दिया जा तर्पण किया। श्री देव ऋषि पित्रे तर्पण केना कर्मणा कर्मणा श्री भगवान जनार्दन वासु देव श्री करुणा काले दिवंगत आत्मा। गुरु जी के दिशा निर्देश में कोरोना काल में बहुत सारी ऐसी कोविड प्रोटोकॉल की बॉडीज़ थी जिनकी अंत्येष्टि हम लोगों ने कराई थी, और तकरीबन 40-40 वॉलंटियर्स उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की अलग अलग जगहों पर कोविड की बॉडीज़ की हम लोगों ने अंत्येष्टि कराई थी उन वॉलंटियर्स के द्वारा। अब उन जो तमाम लोग जो ख़त्म हुए हैं उनकी आत्मा की शांति के लिए, उन्हें तर्पण करने के लिए और उनके लिए एक सामूहिक पूरा एक यहाँ पे श्राद्ध जो है उसका आयोजन हुआ है और साथ में पितृभोज का भी आयोजन हुआ है। वो तमाम लोग जो ऐसे हैं जो कभी भी अपने पूर्वजों का यहाँ श्राद्ध नहीं करा पाए हैं, नहीं आ पाए हैं, उनको भी हमने साथ में सम्मिलित कर दिया है। कुछ विदेश के भी ऐसे लोग हैं, कुछ अलग अलग जगहों पर हैं जिनको सौभाग्य नहीं प्राप्त है कि वो यहाँ पर आकर के उत्तराखंड में हरिद्वार जैसी पावन धरती पे आकर के पितरों का श्राद्ध करा पाएँ। तो ये एक सामूहिक पूरा आयोजन है जिसमें कोरोना काल में ख़त्म हुए लोग जिनकी अंत्येष्टि मदद गुरु द्वारा कराई गई थी और साथ में अन्य लोग जिन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से संस्था को अपने पितरों का नाम और गोत्र भेजा है, उन सभी लोगों की हम लोगों ने यहाँ पे तर्पण कराया है। ऐसा है जो मदद गुरु है उसने जो कोरोना काल है उसमें काफ़ी काम किया है। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में जो किसी को डेड बॉडी को उठाने वाला नहीं था, इन लोगों ने वो काम किया है और उसको ले जाकर उसके संस्कार करा है। और जो आज यहाँ कार्यक्रम हुआ है उसमें पितृ तर्पण हुआ है और ब्राह्मणों ने गीता पाठ करा, उसके बाद भंडारा चल रहा है। तो पितृ तर्पण कोई अपने परिवार के लिए तो करता है, लेकिन जो देश के लिए है वो बहुत कम लोग सोचते हैं। तो उसमें आपने जो है आयुष जी ने ये इनका प्रोग्राम बना कि क्या नाम इस तरह से कार्यक्रम होना चाहिए। जो लोग कोरोना काल में जिनका दिवंगत हो गए हैं उन लोगों के लिए कि भाई किसी ने नहीं सोचा, तो इनके मन में ये बात आई कि उनके लिए ये करना चाहिए, क्योंकि अपने लिए तो सब कुछ करते हैं। जो दूसरे लोग मरे जिनके लिए संस्कार भी नहीं मिला, जिनको परिवार को डेड बॉडी भी नहीं मिली, तो उन्होंने उसके लिए काम करा है। तो उसी के लिए क्या नाम यहाँ पर जो आज पितर तरफ यहाँ जैसे हम लोग एक लोटा जल सूर्य भगवान को देते हैं और वो ऊपर तक भगवान के पास पहुंचता है, ऐसे हम लोग यहाँ तर्पण करते हैं तो हमारे जो देवता लोग हैं पितृ लोग हैं उनके पास जाता है। तो इसलिए यहाँ पर आज ये कार्यक्रम रखा है।